क्यों नहीं भागी? तुझे तेरी अच्छाई दूर नहीं होगी ना? पुत्र, ये लोग तुझे रेस्ट करके ले जाएंगे। सुशीला, ले चलो इन्हें। ऐसी फिसाव ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, करन कुछ कर। एक मिनट। मैंने मना किया ना, छोड़ यार उसका, ऐसे नहीं लेके जा सकते आप। मना किया ना मैंने, मेरे होते हुए कोई प्रीता को यहाँ से नहीं लेकर जाएगा। देखिए, आप कानूनी कार्यवाही में दखलंदाजी कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप इसको यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, छोड़िए इसे, खोलिए। अरे सिम। यस सर। करण को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हटिए हटिए। अरे करण को क्यों हाथ लगा रहे हो? उसकी क्या गलती है? उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आप प्लीज इन्हें मत छूइए। मैं कह रही हूं ना कि मेरी गलती है। परेशान करता था, तो मैंने जब उसे उस होटल के बाहर देखा तो मैंने सोचा कि उसको फॉलो करके उससे बात करती हूँ, उसको कहती हूँ कि हमारी कृतिका को परेशान करना बंद करे। तो मैं उसके पीछे गई और मैंने उससे बात करनी चाही, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। मैं उसे समझा रही थी, लेकिन हम दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट बहुत हीटअप हो गया, और इतना ही नहीं, वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, तो मेरे हाथ में वो एक लकड़ी का ट्रे आया, मैंने उसके सर पे मार दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको इतनी जोर से चोट लग जाएगी कि उसकी जान चली जाएगी। मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया, किसी को मारने का मेरा इरादा नहीं था। मैं तुम्हें बताने वाली थी, मुझे मौका नहीं मिला। I'm sorry. लेकिन बताया तो नहीं ना। नहीं बताया ना, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुननी है और ना तुम्हारी कहानी। कुछ नहीं सुना मुझे। नहीं, मेरी बात करो। तीन दिन पूरे नहीं हुए, तीसरा दिन चल रहा है, आधा दिन हुआ है, आधा दिन बाकी है और पूरी रात बाकी है।
आज मेरे चैलेंज के 3 दिन पूरे हो गए। करण प्रीता अलग हो गए। I just can't believe it. प्रीता अरोरा ने अक्षय का खून कर दिया। God, अभी अभी तो मैंने उस लड़की पे विश्वास करना शुरू किया था, लेकिन ये लड़की विश्वास के लायक ही नहीं है। पता नहीं ये लड़की करती क्या है, जब से आई है ना गलत काम कर रही है, और जब से आई है इस घर में मुसीबत ही मुसीबत आती जा रही है। जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, ये लड़की कोई ना कोई ड्रामा जरूर करती है। एक बात सब लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, प्रीता को सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। करीना फोन दे। पुत्र फोन तो तुझे दे देंगे, लेकिन प्रीता के लिए किसी को फोन नहीं करेगा, समझा तू? क्यों नहीं करूंगा मां? हां बाप हूं मैं उसका, बेटी है वो मेरी, इस घर की बहू वो बाद में बनी है, पहले मेरी बेटी बनी थी वो। पर एक बाप अपनी बेटी की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखा तूने, तुझे कितनी बार कहा है कि उसके सामने आके कोई बात मत किया कर, लेकिन तू ना मानती नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे टेंशन हो जाती है। क्यों आके बोला तूने, क्यों किया ऐसे? बेटो। जी भाई साहब। बंदे। जी भाई साहब। कोई जरूरत नहीं। अरे माँ। प्रीता के लिए किसी को भी फोन नहीं करेगा तू। और बिट्टू क्यों टेंशन दे रहे ऐसे? तुम रुक जाओ, इसे आराम करने दो, ये ले चल। हर त्योहार का दिन, खुशी का दिन वो लड़की पता नहीं क्या करती है, मिट्टी डाल देती है, सब खराब कर देती है, हो गई हमारी होली। पर माँ कैसी बातें कर रही हो, शैलिन की तरह प्रीता भी इस घर की बहू है। पर भाई तो... बहू का कोई फर्ज निभाया नहीं है उसने, हर बार हमारी बेइज्जती की है। तो अगर वो जेल में रहेगी तब भी तुम्हारे परिवार की बेइज्जती है ना भाई? आप बात को समझ नहीं रहे हैं, आज होली के दिन पुलिस आई घर पे, उसे अरेस्ट करके लेके गए। करीना तुम समझने की कोशिश करो, वो घर की बेटी है, इस घर की बहू है, और मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। ठीक है जो भी है, तुम मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। हम बाद में फोन कर लेंगे, आप पहले आराम कीजिए। बड़े अजीब लोग रहते हैं इस घर में, मुझे लगता था कि प्रीता एक अच्छी बहू है, पर वो भी सही नहीं है। और शैलिन उस पे तो शक है मुझे, बस यकीन होने की देर है। एक बार मुझे यकीन हो गया ना, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। राखी जी, प्रीता किसी का खून नहीं कर सकती, वो मेरी बेटी है और मुझे पूरा विश्वास है अपनी बच्चियों पर, मेरी बेटियां कोई गलत काम नहीं कर सकती। और आपको विश्वास नहीं है प्रीता पर? आपने पुलिस को ऐसे ही उसे ले जाने दिया, गिरफ्तार करने दिया? आप रोक सकती थी ना? आपने बहुत गलत किया राखी जी, बहुत गलत किया। पेंजी रुको। माँ मैं भी आती। पेंजी जरना जी, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मैं प्रीता को बचा लूं। भाई क्या कर रहे हो आप? भाभी को पुलिस ले गई है, आप जाके उनको लेके आइए, आप जानते हो वो निर्दोष है। सब जानता हूं मैं, सब कुछ जानता हूं मैं, ओके? मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है, मुझे बस तकलीफ इस बात की कि प्रीता ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वहां क्या करने गई थी और क्यों गई थी। मुझे तो बता सकती थी ना अपने पति को, मैं सब कुछ संभाल लेता, ऐसा कुछ होने नहीं देता। भाई देखिए जो हो गया सो हो गया, गुस्सा अभी गुस्सा करने का टाइम थोड़ी है। भाई पुलिस उनको ले गई है, प्लीज जाके उनको ले। मैंने मुझे मत सिखा कि क्या करना है क्या नहीं। हां समझ में आ रहा कि उसने ये सब कुछ किया क्यों, किसके लिए? मेरे लिए किया भाई, जो किया भाभी ने मेरे लिए किया, और उन्होंने कुछ नहीं किया, आप जानते हैं वो निर्दोष है भाई, आप प्लीज समझिए, उनको लेके आइए ना। मैंने उसे मना किया था कि तेरे और अक्षय के मैटर में पड़ी ना, लेकिन नहीं मानती नहीं है ना मेरी बात। तेरी शादी वाले दिन कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया उसने, और अब देख। भाई अच्छा हुआ मेरी शादी उस अक्षय से नहीं हुई। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। भाई भाभी ने कुछ गलत नहीं किया। अरे मैं जानता हूँ, तुझे क्या लगता है मैं प्रीता से इसलिए गुस्सा हूँ कि मुझे लगता है उसने मर्डर किया है? बेवकूफ है तू, मैं पता उससे क्यों गुस्सा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं कि वो वहाँ क्या करने जा रही है और क्यों जा रही है। अरे एक चींटी नहीं मार सकती, किसी का मर्डर क्या करेगी? हाँ भाई देखिए, तू मुझे मत सिखा क्या करना है, जस्ट लीव मी अलोन आई सेड। भाई मेरी, लीव मी अलोन। देखो अगर तुम कन्फेस करती हो कि तुमने अक्षय का खून किया है तो मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में ही हूँ,
बस मुझे एक आवाज दे देना और मैं तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आ जाऊंगा। सर, सब मैंने आपको सब कुछ बताया सर। जो कुछ भी हुआ था मैंने आपसे सब कुछ कह दिया, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। जो आपने कहा मैंने सुना, लेकिन क्या है ना कि मैं कान का कच्चा नहीं हूं, मुझे पूरी कहानी सुननी है। आपकी कहानी इस इंसिडेंट से मेल नहीं खा रही। 98% करेक्ट और 2% करप्ट। कुछ गड़बड़ है, कहानी अधूरी है। अगर पूरी कहानी सुनानी हो तो मुझे बुला लेना। और हाँ, ये मत भूलना कि मैं पिघल जाऊंगा या तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम महेश लूथरा की बहू हो। खूनी खूनी होता है, चाहे वो आदमी हो या औरत। चेहरे से कोई शैतान लग सकता है या मासूम, इसीलिए ज्यादातर मैं चेहरे पर नहीं जाता। मुझे खुशी होगी अगर तुम जल्द से जल्द अपना कन्फेशन दे दोगी। मैं अपने कैबिन में हूं। ना मुझे तुम्हारी सॉरी सुननी है और ना तुम्हारी कहानी। कुछ नहीं सुनना मुझे। करण मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। मैं उसे बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं सकी। उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने किसी को फोन किया नहीं? किसे कॉल करना चाहिए था करण को? अरे किसी को भी, कमिश्नर को, वकील को, प्रीता जी को छुड़वाने के लिए। प्रीता जी जेल में है ना। जी 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 करके प्रीता मेरे जी का जंजाल बन गई है। अरे कोई छोटी मोटी बात थोड़ी हुई उनके साथ। प्रीता जी को अरेस्ट करके पुलिस ने जेल में डाल दिया उन्हें। तो करण क्यों? तुम ही कॉल कर लो और छुड़वा लो अपनी प्रीता जी। अरे 2 सेकंड में छुड़वा लूं मैं, पर प्रॉब्लम ये कि मैं, तुम जानती हो ना मैं सिर्फ गुंडों को जानता हूँ, वकीलों को नहीं जानता मैं। तो बन जाओ ना वकील अपनी प्रीता जी के लिए। मुझे समझ में नहीं आता इस प्रीता ने तुम पर कौन सा काला जादू कर दिया। जब देखो तो प्रीता जी ये, प्रीता जी वो, उसके लिए ये करना, उसके लिए वो करना। कभी हमारी चिंता की है, कभी पूछा कि तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा? अरे मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मुझे बस इस बात से लेना देना है कि प्रीता जी जेल से बाहर कब आएंगी। मैं चाहता हूँ कि गिल्ली डंडा प्लेयर किसी भी तरह पुलिस को फोन करे, कमिश्नर को फोन करे, वकील को फोन करे, किसी भी तरह प्रीता जी को छुड़वा दे बस। तो करता है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूं, तुम्हारे गुंडों को हायर करूं और तुम्हारा ही खून करवा दूं। बेबी तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूं? मैं बिल्कुल सही समझ रही हूं। जब वो एसीपी आया था ना, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था। मुझे दिख रहा था कि तुम्हारे चेहरे पे कितना डर है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करो। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि पुलिस तुम्हें नहीं प्रीता को अरेस्ट करने आई है, उसे अरेस्ट करके लेके जा रही है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने तुम्हारे सीने से दिल निकाल के रख दिया है। तुम्हारे चेहरे पे वो दर्द नजर आ रहा था, तुम्हारी आंखों में प्रीता के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। पृथ्वी लिसन, जस्ट रिलैक्स। गलत समझ रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ? यू शुड बी थैंकफुल कि पुलिस तुम्हें नहीं प्रीता को पकड़ के लेके गई है, कि तुम्हारा इल्जाम प्रीता के सर आ गया है। तुमने जो अक्षय का मर्डर किया था उस केस में पुलिस प्रीता को पकड़ के ले गई है। सुशील, ये हमारे अतरंगी एसीपी सर क्या कर रहे हैं? अरे वो नोट्स बना रहे हैं। नोट्स? कौन से वाले नोट्स? ये वाले या वो वाले? सुशीला तुम्हें कुछ पता है? सर ये वाले नोट न लेते हैं और न बनाते हैं। अरे वो तो अक्षय के मर्डर केस के नोट्स बना रहे हैं। मतलब? सुशीला, ये जो तुम्हारी पंचायत चल रही है ना, मुझे सब सुनाई दे रहा है। तो अपना ये साउंड सिस्टम बंद करो और जो बोलना है डायरेक्टली बोलो। सर मैं सुशील को पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं? नोट्स बना रहा हूँ और क्या। सुशील भी यही बता रहा था कि आप हर केस के ऊपर बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं। वो तो है। देखो, होटल के स्टाफ और क्लीनर की गवाही और बाकी सारे सबूत ये बताते हैं कि जो भी उस रात को अक्षय को मिलने गया था उसने होटल के रजिस्टर में एंट्री नहीं की। लेकिन प्रीता का ये स्टेटमेंट। प्रीता का स्टेटमेंट? हाँ, हो गया रिकॉर्ड। जब तुम बाहर मम्मी के साथ फोन पे झगड़ा कर रहे थे ना, तब प्रीता ने स्टेटमेंट दे दिया और हमने रिकॉर्ड भी कर लिया।
प्रीता की स्टेटमेंट के हिसाब से वो 6 और 6:10 के बीच में होटल पहुंची और फिर उसकी अक्षय के साथ हाथापाई हुई और प्रीता ने अक्षय के सर पे ट्रे दे मारी और फिर वो वहां से भाग गई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है। सर आपका मतलब है कि अक्षय का खून किसी और ने किया? जब तक अक्षय का कातिल मिल नहीं जाता तब तक सबूतों और गवाहों की खाल उधेड़ना, लोगों पर शक करना, यही तो हमारा काम है। और ये प्रीता मेरे शक के दायरे में है, वो भी लिस्ट में सबसे ऊपर। लेकिन कोई तो एक कड़ी है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से बाकी सारी कड़ियां मिल नहीं रही। समझा नहीं सर। अगर हम क्लीनर की गवाही पे विश्वास करें तो सर, मुझे प्रीता भाभी से मिलना है। I mean, please, sir, एक बार मिलने दीजिए ना भाभी से। ठीक है, मिलवा देते हैं। सुशीला जी सर, आइए। थैंक यू सो मच। सर आपको इस पे भी शक है कि अक्षय का खून इसने किया है? जब अक्षय का कत्ल हुआ तो जो लोग भी उसके आसपास मंडरा रहे थे उनमें से एक ये भी थी। एसीपी विजय बिंद्रा स्पीकिंग। सुशील। यस सर। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा और एक बात बता, ये कृतिका प्रीता से मिलने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों थी और ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब क्यों हैं? यस। तुमने अक्षय का खून किया है। कुछ भी बोल रही हो, मैंने अक्षय का मर्डर नहीं किया है। पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैंने अक्षय का मर्डर नहीं किया है। पृथ्वी मुझसे झूठ मत बोलो प्लीज, मुझे सच पता है। कौन सा सच, कैसा सच? होश में हो तुम, क्या बोल रही हो? मैं होश में हूँ, तुम होश में नहीं हो। जब देखो तब प्रीता के ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो। मुझे बेवकूफ मत समझो पृथ्वी। मैंने कब कहा तुम बेवकूफ हो? कब कहा मैंने तुम्हें बेवकूफ हो? तुम मेरी सियानों की महारानी हो, लेकिन इस वक्त जैसे तुम बिहेव कर रही हो ना, इस सेकंड तुम मूर्खों की महारानी की तरह बिहेव कर रही हो। अच्छा? हाँ। अक्षय का जिस दिन मर्डर हुआ था तुम उससे मिलने गए थे? गया था, अकेला मैं गया था, और भी लोग गए थे। कौन कौन गए थे तुम जानती हो अच्छे से जानती हो। कृतिका गई थी वहां पर। वाह वाह, क्या जो है वो बता रहा हूँ, कृतिका भी वहां गई थी। हो सकता है कृतिका ने उसका मर्डर किया। कृतिका, सबको पता है कि कृतिका कोई भी चीज पर फोकस नहीं कर सकती, उसका दिमाग काम ही नहीं करता। पृथ्वी जी की प्रीता, वो लोग अक्षय का मर्डर नहीं कर सकते लेकिन कृतिका कर सकती। तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, हर एक इंसान जानता है कि कृतिका किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती, तो वो अक्षय का मर्डर क्या करेगी? लिसन, लोगों को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो। अब तो जो लोग भोले दिखते हैं ना, वही आग के गोले होते हैं, समझ गई? झूठ, हर एक इंसान अक्षय के मर्डर केस में झूठ बोल रहा है। सच्चाई की मूरत प्रीता, वो भी झूठ बोल रही है। उसने कहा कि उसने अक्षय को होटल के बाहर देखा और फिर उससे जाकर मिली, उसे सिर्फ वार्न करने के लिए कि वो कृतिका से दूर रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हारी प्रीता जी भी झूठ बोल रही है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैंने अक्षय का मर्डर नहीं किया है। तुमने अक्षय का मर्डर नहीं किया, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम असली स्टोरी मुझे नहीं बताओगे, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली कहानी क्या है। जिस दिन अक्षय ने कृतिका को कॉल किया था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था, तुम्हें लगा कि कृतिका आके ये बात तुम्हें बताएगी, लेकिन कृतिका ने ये बात तुम्हें नहीं बताई, उसने ये बात जाकर प्रीता को बता दी। फिर क्या था, प्रीता तो हमेशा रेडी रहती है लोगों से झगड़ा करने के लिए। वो चली गई अक्षय से लड़ने के लिए, कृतिका के लिए। दोनों में झगड़ा हुआ होगा, हाथापाई हुई होगी और उसी में अक्षय का खून हो गया होगा, लेकिन अक्षय मरा नहीं होगा। और फिर उसने तुम्हें कॉल किया, पूरी राम कहानी बताई होगी कि कैसे प्रीता और कृतिका यहाँ पर आए, उससे वो वीडियोस जो ब्लैकमेल कर रहा था, वो सारे वीडियोस और फोटोज लेकर चले गए। उसने तुम्हें ये भी बताया होगा कि प्रीता ने उसके साथ क्या क्या बिहेव किया, कैसे बिहेव किया। वो तुमसे तुम्हारे प्रीता जी की कंप्लेन कर रहा होगा, तुम्हें बहुत गुस्सा आ गया होगा और तुमने जाकर अक्षय का खून कर दिया। बहुत अच्छी कहानी थी, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? लूथरा बहू की डेजिग्नेशन से रेजिग्नेशन दे दो और स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ। अगर इस कहानी पे पिक्चर बन गई ना तो सुपर डुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है। बट यू नो व्हाट, रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलो ठीक है, कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। कृतिका और प्रीता अक्षय से होटल में मिलने गए होंगे, लेकिन कृतिका बाहर ही होगी, अक्षय से मिले रूम में नहीं गई। प्रीता अकेली अक्षय से मिलने गई, उसके बाद क्या था,
लेकिन अक्षय तो तुम्हारे जैसा बदतमीज है ना, उसने प्रीता के साथ बदतमीजी कर दी होगी और प्रीता को गुस्सा आ गया होगा। उसने अक्षय को दो चार बातें सुना दी, शायद थप्पड़ भी मार दिए होंगे। उसके बाद क्या, अक्षय की मर्दानगी को ठेस पहुंच गई होगी और उसने तुम्हें कॉल कर दिया होगा कि सुनो पृथ्वी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन उसे क्या पता था कि तुम तो प्रीता जी के पुराने आशिक हो। तुम्हें गुस्सा आ गया होगा कि अक्षय ने तुम्हारी प्रीता जी के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर दी। तुम जैसे तैसे करके घर से निकले और जाके अक्षय का खून कर दिया तुमने। बस यही तो चाहती थी मैं कि करण प्रीता से इतना गुस्सा हो जाए कि उसके लिए कुछ भी ना करना चाहे। करण और प्रीता के बीच में वो पहले वाला रिश्ता ही ना रहे। जो मैं चाहती थी मैंने कर दिया। अब मैं इन दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगी। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाकर प्रीता से एक बार मिलो ना पुलिस स्टेशन। उसे तुम्हारे प्लीज माहिरा, कम ऑन। अब तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, ओके? करण मैं आई सेड लीव मी अलोन प्लीज। जो मैं चाहती थी हो गया। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। जिसको मरना था वो मर गया, जिसे अलग होना था वो अलग हो गया। वेल डन माहिरा, वेल डन।